Hey guys, welcome back to my channel. It's makeup time. I hope you are all doing good and super great. So, आज मैं जो मेकअप लुक लेके आई हूँ वो टीनेजर्स गर्ल्स के लिए है. अगर आपकी शादी नहीं हुई है, शादी से पहले कोई मेकअप करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ये लुक ट्राई कर सकते हैं जो मैंने किया हुआ है. क्योंकि ये जो मैरिड वुमेन होती हैं वो मेकअप करती हैं तो उनका पूरा श्रृंगार होता है, तो उस तरीके का मेकअप लुक मैंने क्रिएट नहीं किया है. मैंने ओनली गर्ल्स के लिए किया है. वैसे चाहे तो कोई भी कर सकता है ऐसे जो सिंपल रहना चाहता है. तो बिल्कुल सिंपल लुक मैंने क्रिएट किया है टीनेजर्स गर्ल्स के लिए. मैंने हल्की हल्की आई शेडो लगाई है, हर चीज हल्की चीज लगाई है मैंने, चिक टिंट लगाया है. जो भी चीजें हैं वो सारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी. आप अपना लुक क्रिएट करते हैं तो इसी तरीके का मेकअप करें जो कि बिल्कुल नेचुरल मेकअप लगेगा. आप यहाँ देख सकते हो कितना अच्छा एंड नेचुरल मेकअप लग रहा है. तो ऐसा अगर मेकअप करना चाहते हो तो इस वीडियो लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिना सब्सक्राइब करके बिल्कुल नहीं जाना. तो चलिए विदाउट फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड. पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मेरे को लगाना है प्राइमर, है ब्लू हेवन का प्राइमर. ये प्राइमर मैं लगाने वाली हूँ, सो इसको लेना है. सो मैंने प्राइमर लगा लिया है. अब जब आपका प्राइमर सूख जाता है उसके बाद आपको लगाना है बीबी क्रीम या सीसी क्रीम. ये क्रीम मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं फाउंडेशन स्किप कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेकअप लुक जो मैं क्रिएट कर रही हूँ वो कर रही हूँ टीनेजर्स गर्ल्स के लिए. तो अगर वो फाउंडेशन लगाते हैं तो उनकी स्किन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है. ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम है जो कि मैं यहाँ लगा रही हूँ. आप चाहें तो गले के पास लगा सकते हैं जिससे कि आपका जो कलर है वो डिफरेंट नहीं लगेगा. वैसे बीबी क्रीम सीसी क्रीम कुछ ज़्यादा गोरा नहीं करती हैं कि काफ़ी ज़्यादा अलग से कलर हो गया आपका, गोरा हो गया. सो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा लगा लिया यहाँ पर. अभी आप फिंगर से भी कर सकते हैं या फिर ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं, तो आप किसी से भी कर सकते हैं. इस साइड का मैं फिंगर से करती हूँ, इस साइड का ब्यूटी ब्लेंडर से, तो आप देख सकते हो कैसा होगा. मैंने यहाँ नहीं लगाया था तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ एंड काफी अच्छे से ब्लेंड हो गया, आप देख सकते हैं. मैं यहाँ भी ब्लेंड करती हूँ. देख सकते हो चाहे आप ब्यूटी ब्लेंडर से करो या अपनी फिंगर से करो, ऐसा ही कवरेज मिलेगा आपको. तो लगाना है फेस पाउडर, तो मेरे पास है, आप यहाँ देख सकते हो लैक्मे का फेस पाउडर सनस्क्रीन. तो आपको ये लूज पाउडर है तो आप कभी रखो. तो आई मेकअप के लिए मैंने ये पैलेट लिया है जिसमें 18 शेड्स आते हैं. ये हिडारी डोडाटा है. तो इसमें मैं सबसे पहले कौन सा शेड यूज करूँगी, तो ये है गोल्डन कलर. ये शेड मैं यूज करने वाली हूँ. गोल्डन कलर जब आप यूज करते हैं तो आपके फेस पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है. वैसे देखा जाए तो आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं. मैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग यूज कर रही हूँ जो कलर है अपनी. सो आपको करना क्या है, बिल्कुल हैवी मेकअप नहीं करना, बिल्कुल लाइट मेकअप करना है. तो मैं यहाँ लाइट मेकअप करके दिखा रही हूँ आपको. तो मैंने अभी गोल्डन लगा लिया है दोनों आईज पे. अभी मेरे को जो कलर लेना है वो ये कलर है, लाइट ऑरेंज कलर है. सो मेरे को ये लगाना है अपने आईज पे. लगाती हूँ, बिल्कुल हल्का हल्का यूज करना है आपको कि ऐसा लगे कि ऑरेंज कलर भी दिख रहा है एंड थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर. बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड नहीं करना है कि ऑरेंज कलर है वो ही दिखे, गोल्डन कलर ना दिखे. तो सेम ऐसे ही दूसरी आईज में कर लेती हूँ. मैंने बिल्कुल लाइट मेकअप किया है आईज पे. आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने कितना लाइट मेकअप किया है. इसी तरीके से आपको भी करना है. उसके बाद आपको करनी है आईब्रो फिल.
जब आप आईब्रो फिल करते हो तो आपको बिल्कुल भी डार्क कलर नहीं लेना है। मैंने ब्राउन कलर लिया है एंड मैंने हल्की हल्की फिल किए हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि नीचे वाले जो आपकी पलकें होती है उस पर नहीं लगाते हैं, तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। उस पर लगाना है तो काफी ज्यादा आईज अच्छी दिखेंगी आपकी। अब आपको क्या करना है कि आपकी जो लिप्स है उस अंडरलाइन बनानी है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब अंडरलाइन बनाएंगे तो आपका लिप्स काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर बना रही हूँ। अगर आप टीनेजर्स हैं तो लिप लाइनर जरूर यूज कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिप्स हैं जो काफी अच्छे लगेंगे आपके फेस पर। आपको लिपस्टिक है वो बिल्कुल लाइट लगानी है आपके फेस पर, बिल्कुल डार्क लिपस्टिक बिल्कुल नहीं लगानी है। और उसके बाद मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ जो कि है पिंक कलर की। आप चाहें तो न्यूड कलर, लाइट पिंक कलर लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ। सो अब मैं यूज करने वाली हूँ हाइलाइटर। तो ये मेरे पास है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट और इसको यूज करना है। सो आप इसमें कोई भी कलर ले सकते हैं। इसमें ये चार कलर हैं, आप यहाँ देख सकती हो। मैं ये आई मेकअप वाली ब्रश ले रही हूँ, इससे मैं हल्का सा थोड़ा सा लेती हूँ हाइलाइटर एंड इसको मैं यहाँ लगाती हूँ अपने आईज के पास। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है उसके बाद इस आईज में। सो अभी नोज पे लगाना है मेरे को, बिल्कुल हल्का लगाना है क्योंकि आप बिल्कुल नाइट वाला मेकअप लुक नहीं कर रहे हैं, आप डे के लिए कर रहे हैं मेकअप लुक। आप गर्ल्स हैं, कोई मैरिड लड़की नहीं है, तो बिल्कुल भी आपको हैवी मेकअप नहीं करना है, बिल्कुल हल्का। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं हाइलाइटर को, मैं यहाँ स्किप नहीं कर रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ दिखाते हैं। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर हल्का हल्का हाइलाइटर लगा देती हूँ एक छोटी सी ब्रश से, उसके बाद इसको ब्लेंड करूंगी। अगर आप फिंगर से लगाते हैं तो आपको लगाना है, इसको ऐसे करना है, देन इसको ऐसे लगा लेना है हल्का हल्का बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पर हाइलाइटर लगा लिया है, आप देख सकती हो कितनी ज्यादा चमक आ रही है, बिल्कुल हल्का सा यूज किया है। अब आपको क्या करना है, अगर आप थोड़े से चिक टिंट चाहते हैं तो कोई भी, अगर आपको लिपस्टिक लेना है तो वो लिपस्टिक ले सकते हो, या फिर आई शैडो पैलेट में कुछ ऐसे आते हैं कलर्स जिनमें बिल्कुल सिमरी कलर नहीं होता है, पिंक होता है, तो वो पिंक कलर भी अपने चिप पे आप यूज कर सकते हो। अगर मेरी माने तो आप हाइलाइटर की जगह आप ओनली पिंक कलर भी लगा सकते हैं अपने चिप पर, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। सो यहाँ पर मैं पिंक कलर लगा रही हूँ, बिल्कुल हल्का हल्का पिंक कलर लगाना है आपको, ज़्यादा नहीं लगाना है कि दूर से देखने पर अजीब लगे और अच्छा बिल्कुल भी ना लगे। इस तरीके से मैं इस ब्रश से लगा रही हूँ। एंड उसके बाद क्या करना है आपको, हल्का सा लूज पाउडर लेना है जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, उसको इस पर ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल हल्का सा पाउडर लेना है और इस पर ब्लेंड कर देना है। सो यहाँ मेरा मेकअप लुक कंप्लीट है। अगर आप बिंदी लगाना चाहते हैं तो मार्केट में काफी सारी बिंदी अवेलेबल होती हैं, लाइक साइज में छोटा साइज बड़ा साइज। सो यहाँ मैंने बिंदी लगा ली है और काफी ज्यादा अच्छा लुक भी मिल रहा है मुझे। सो यहाँ पर कंप्लीट होता है मेरा मेकअप लुक। आप बताना कमेंट बॉक्स में कि मेरा मेकअप लुक कैसा लगा आप, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए एंड आप मेरी वीडियो देख पाए। ऐसी ही वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए बाय।